उधर फिलीपींस ने आरोप लगाया कि अमेरिका से उसकी दोस्ती पर चीन इतना चिढ़ा बैठा है कि उसने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के कोस्ट गार्ड पर लेजर अटैक ही कर दिया। दक्षिण चीन सागर वो जगह है जिसे चीन अपनी जागीर समझता है और उस दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के एक जहाज को देखते ही चीन ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में चीन के बताए जा रहे उस जहाज से आंखें चौंधिया देने वाली हरी लेजर बीम भी निकलती दिखी। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि लेजर बीम इतनी ताकतवर थी कि उसके कोस्ट गार्ड के कुछ जवानों को कुछ देर के लिए दिखना ही बंद हो गया। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाजों को देखकर चीन पागल हो जाता है, लेकिन फिलीपींस ने दावा किया कि ऐसा पहली बार हुआ जब उसने लेजर से ही वार कर दिया। फिलीपींस ताइवान के दक्षिण में है और उसके पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर भी है। इस महीने की शुरुआत में फिलीपींस ने एक डील के तहत अपने 4 और सैन्य अड्डों पर अमेरिका की सेना की तैनाती को मंजूरी भी दी है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका भी उसे तगड़ा जवाब देगा। यही वजह है कि चीन आग बबूला है और ऊपर से पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास भी कर डाला, क्योंकि वो इस समंदर पर चीन के दावे को नहीं मानता। यानी अमेरिका ने चीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। इसलिए अमेरिका को चेतावनी देने के लिए चीन ने भी अपने लगभग 2 दर्जन विमान और पानी के जहाज ताइवान स्ट्रेट में घुसा दिए और अमेरिका और ताइवान को धमकी दी कि वो उसके इलाके से दूर रहे। इस बीच दिल्ली के मेहरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई 4th दिन भी जारी रही। वहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ वहां के दुकानदार लगातार विरोध कर रहे हैं। 4th दिन भी जैसे ही वहां अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं तो कार्रवाई रुकवाने के लिए पुलिस वालों के पैर तक पड़ने लगी। एक ने बंद कर लिया, वो गेट खोलने को बंद कर लिया। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन खरीदते वक्त उन्हें इस जमीन के सरकारी जमीन होने की बात नहीं बताई गई थी। इन जमीनों को हैवी प्राइसेस में खरीदा है, तब ये बात क्यों नहीं सामने आई। हालांकि इतने हंगामे के बावजूद अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया, जिसके लिए 3 खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली गई। इस दौरान वहां भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई में कोई रुकावट न पैदा हो। इधर दिल्ली के विश्वास नगर से बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा के दफ्तर में चोरी का मामला सामने आया। दावा है कि चोर 2 टीवी चुरा ले गए और दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। बताया गया कि बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा के दफ्तर में पिछले कुछ सालों के भीतर चोरी का ये 3रा मामला है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि रूस से जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने अपना सबसे घातक MQ-9A रीपर ड्रोन पोलैंड में तैनात कर दिया। नेटो के इस सदस्य देश पर पुतिन कई बार एटम बम गिराने की धमकी दे चुके हैं और पश्चिमी मीडिया भी कई बार यह दावा कर चुका है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका समेत नेटो को उसकी चिंता सताने लगी, जिसके बाद यूक्रेन की तरह ही पोलैंड की ताकत बढ़ाने की कोशिशें भी शुरू हो गई। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने घातक MQ-9A रीपर ड्रोन पोलैंड में तैनात कर दिए। इनकी खासियत यह है कि ये ड्रोन एक बार में बिना रुके 27 घंटे तक आसमान में उड़ सकते हैं और इनसे हेल फायर मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। मतलब पलक झपकते ही ये दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। इसी ड्रोन से अमेरिका ने पिछले साल खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को ढेर करने का दावा किया था।